हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी ढोकला रेसिपी। वैसे तो ढोकला सभी बनाना जानते होंगे, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी ढोकला बनाने की, तो ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाई गई वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, ये महीन वाला बेसन है। इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, एक पिंच हल्दी डालेंगे, हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। अब हम इसमें 4 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। ये देखिए, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक बैटर हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसकी सीटी नहीं लगाएंगे हम, और लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक प्री हीट होने तक के लिए रख देंगे। बर्तन में हमें ढोकला बनाना है, उसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, बैटर हमारा सेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब इनो डालेंगे। उसे तुरंत मिला लेंगे। ये देखिए, बैटर हमारा फूलने लग गया है। इसका मतलब बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे तुरंत बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसे अच्छे से हिलाते हुए सेट कर लेंगे। कुकर देखिए हमारा प्री हीट हो गया है। अब हम इसे बर्तन को सावधानी पूर्वक कुकर में रख देंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है अभी। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 25 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। जब तक ढोकला हमारा बन रहा है, तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। देखिए, मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मैंने इसमें 3 हरी मिर्च ली हैं। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। चाशनी हम ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि ढोकला पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, इसमें हम चीनी डालेंगे 1 चम्मच, उसे और लास्ट में हम नींबू का रस डाल देंगे 2 चम्मच, और चीनी गलने तक हमें इसे पकाना है बस। और थोड़ा सा उबाल आ जाए इसमें। ये देखिए, चीनी अच्छे से गल गई है और इस पर एक उबाल भी आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, 25 मिनट बाद हम कुकर को अपने देख ढोकला चेक करते हैं। नाइफ़ की हेल्प से हम चेक करेंगे। देखिए, बैटर हमारा भी नाइफ़ में लग रहा है, इसका मतलब ढोकला भी हमारा अच्छे से अंदर से पका नहीं है। तो इसे हम फिर से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बंद करके फिर से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हम फिर से नाइफ़ से चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ढोकला हमारा पक गया है।
अब हम इसे सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ढोकला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे किनारे किनारे चाकू से स्क्रैच कर देंगे। अब हम इसके ऊपर प्लेट रख के इसे निकाल लेंगे। इसको हल्के से टैप टैप करेंगे हम। ये देखिए ये हमारा ढोकला कितना बढ़िया निकल के आ गया है और ये कितना स्पॉन्जी बना है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब हम इसे इसके पीसेस करेंगे। ढोकला काटते समय अगर हमारे पीसेस बिखरे नहीं तो समझ जाइए हमारा ढोकला बहुत बढ़िया बना है। देखिए एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम इसमें ऊपर से चाशनी डालेंगे। चाशनी हम पीसेस करने के बाद ही डालेंगे जिससे कि चाशनी पूरी ढोकलों में अच्छे से डल जाए। ढोकला चाशनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए देखिए मैंने खूब ज़्यादा चाशनी बनाई थी। अब मैं सारी चाशनी इसमें डाल दूँगी। इसे चाहे आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन आप इसे पानी डालने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।